हेलो दोस्त, वेलकम टू स्टडी कोच 91 यूट्यूब चैनल और आप सभी का स्वागत है। दोस्त, यूपी फ्री टैबलेट योजना को लेकर के एक लेटेस्ट अपडेट आ रही है दोस्तों कि आप लोगों की टैबलेट योजना की जो टेंडर है वो जारी हो चुकी है। तो आप लोगों को इस वीडियो में ये जानने को मिलेगा कि जो है कौन सी कंपनियाँ भाग ले रही हैं स्मार्टफोन बांटने के लिए और कौन सी कंपनियाँ जो है टैबलेट बांटने के लिए। और दोस्तों, आप लोगों को ये भी पता चलेगा कि इस जो है दिसंबर महीने में किन किन स्टूडेंट्स को टैबलेट मिल जाएगा। ये सभी बातें आप सभी लोगों को जानने को मिलेगी इस वीडियो में। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं वीडियो शुरू करने से पहले कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए लेटेस्ट अपडेट को पहले पाने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। दोस्तों, यहां पर आप लोगों के सामने जो है एक न्यूज़पेपर दिखाई दे रही होगी, ये आज के न्यूज़पेपर में जो है आया है, ठीक है। तो फाइनली दोस्तों, मैं इस न्यूज़पेपर की कटिंग से आप लोग को अपडेट देने वाला नहीं हूं क्योंकि दोस्तों इसमें जो है आप लोगों को साफ साफ दिखाई नहीं देगा। तो इसलिए मैं दोस्तों की जो वेबसाइट है वहां से मैं इस न्यूज को जो है सर्च किया हूं, फिर उसके बाद में मैं उसकी स्क्रीनशॉट लेकर के सेट कर दिया हूं ताकि आप लोग को जो है अच्छे तरीके से दिखाई दे और आप लोग भी इसे देख सके, ठीक है। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं अमर उजाला की वेबसाइट है, अमर उजाला की न्यूज है, ठीक है। अब दोस्तों, मेन हेडिंग की बात करें तो युवाओं को टैबलेट मोबाइल देने के लिए 4700 करोड़ के टेंडर दिसंबर के पहले हफ्ते तक जारी होगा वर्क ऑर्डर। तो चलिए देखते हैं अब इसको विस्तार से। दोस्तों, मैं आप लोगों को डेट एंड टाइम दिखा दूं, यहां पर 30 नवंबर 2021 की अपडेट आ रही है, 8:35 पे वेबसाइट पे डाली गई है अमर उजाला के। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं कि क्या है विस्तार से इसकी न्यूज। तो विस्तार में दिया गया है, प्रदेश में युवाओं को मुफ्त टैबलेट और मोबाइल वितरण के लिए 4700 करोड़ रुपए का टेंडर खुला है। 2500 करोड़ रुपए में टैबलेट खरीदे जाएंगे और 2200 करोड़ की लागत से स्मार्टफोन की खरीद होगी। दोस्तों, 2500 करोड़ रुपए की जो कि टैबलेट खरीद जाएगी और 2200 करोड़ रुपए की स्मार्टफोन। इसके लिए सैमसंग, लावा, बिस्टल व एसर जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियां ने जो है टेंडर में दाखिल किए हैं। दोस्तों, इसके लिए जो है मल्टीनेशनल कंपनी सैमसंग, लावा, बिस्टल, एसर ये सभी कंपनियां जो है इसके लिए दाखिला किए हैं टेंडर लेने के लिए। टेंडर किस कंपनी को मिलेगा यह दिसंबर के पहले हफ्ते में पता चलेगा। टेंडर हासिल करने वाली कंपनी को आपूर्ति का आदेश जारी करेगा। कंपनी को 3 महीने में टैबलेट व मोबाइल की आपूर्ति करनी होगी। दोस्तों, यूपी डिस्को जो भी टेंडर में भाग ले रही है कंपनियां को, जो भी टेंडर में चूज की जाएगी, जिसको जो है टेंडर दिया जाएगा, उसको यूपी डिस्को जो है आदेश जारी करेगा कि 3 महीने में जो है पूरी आपकी आपूर्ति कंप्लीट हो जानी चाहिए। कब कब जो है कौन सी महीने में और कौन सी महीने तक आप लोगों की जो है आपूर्ति पूरा कंप्लीट, यानी आप सभी लोगों को टैबलेट और स्मार्टफोन मिल जाएगा, ये सभी बातें भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। पहले देख लेते हैं कि न्यूज़ में और क्या क्या दिया गया है, ठीक है। प्रदेश में स्नातक व स्नातकोत्तर समेत अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत 68 लाख विद्यार्थियों को इसका वितरण किया जाएगा। 68 लाख स्टूडेंट्स को ये बांटा जाएगा टैबलेट और स्मार्टफोन, इसका लाभ 8400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि चाहे आपका मैथ का सवाल हो, फिजिक्स का, केमिस्ट्री या बायोलॉजी का, आपके हर एक क्वेश्चन हर एक डाउट का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने मोबाइल में डाउटनेट का व्हाट्सएप नंबर 8400 400 400 को सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट हो, उस सवाल का फोटो खींचना है, क्राप करना है, फिर 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT JEE NEET CBSE और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए व्हाट्सएप नंबर 8400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में लाभ दिया जाएगा, ठीक है। यूपी डिस्को में सोमवार शाम ऑनलाइन निविदा खोली गई। ITO में इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार ने बताया कि टैबलेट के लिए बिस्टल, सैमसंग विजन और एसर सिलिकॉन कंपनी ने टेंडर दाखिल किया है। टैबलेट के लिए कौन कौन सी कंपनी, बिस्टल, आयरिस और उसके बाद में सैमसंग विजन और एसर सिलिकॉन, ये 3 कंपनियां जो है टेंडर के लिए भाग ले रही हैं। वहीं स्मार्टफोन के लिए लावा, स्मार्टफोन की बात करें तो लावा, उसके बाद में सैमसंग सिलिकॉन और सैमसंग यूनाइटेड ने टेंडर दाखिल किए हैं, ठीक है। तो दोस्तों, इन तीनों में से देखिए किसको जो है टेंडर मिलता है। आप सभी को अपडेट मिलता रहेगा, आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। बृहस्पति बार तक सभी फर्मों की तकनीकी निविदा की जांच करने के बाद अर्य योग्य फर्मों की वित्तीय निविदा खोली जाएगी। दिसंबर के पहले सप्ताह तक वित्तीय निविदा निस्तारित कर चुनी गई फर्म को कार्य का आदेश जारी किया जाएगा। दोस्तों, यानी कुल प्रक्रिया आप लोग की जो टेंडर वगैरह सब कुछ जारी होकर दिसंबर के फर्स्ट वीक तक ये सभी कामें खत्म हो जाएगी, फिर आप लोग की जो है स्मार्टफोन और टैबलेट देने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यूपी डिस्को के MD कुमार विनीत का दावा है कि टैबलेट और मोबाइल खरीद के लिए IT क्षेत्र में यह देश का सबसे बड़ा टेंडर है। आज तक यह देश का सबसे बड़ा टेंडर है दोस्तों।
मोबाइल और टैबलेट के खरीद के लिए, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद में आ रहा है दिसंबर में होगी 40% आपूर्ति, ठीक है। जी हाँ, सिर्फ दिसंबर महीने में 40% लोगों को टैबलेट और स्मार्टफोन मिल जाएगा, ठीक है। अपर मुख्य सचिव अरविंद ने बताया कि कंपनी को आदेश जारी होने की तारीख से 3 महीने की अवधि में टैबलेट व मोबाइल की आपूर्ति करनी होगी, ठीक है। पहले महीने में 40% आपूर्ति करनी होगी। वर्क ऑर्डर जारी होने से 30 दिन के अंदर यानी दिसंबर से जनवरी के प्रथम सप्ताह तक आपूर्ति करनी होगी। जब दोस्तों पूरी टेंडर वगैरह जारी हो जाएगी, जब कंपनी को ऑर्डर दिया जाएगा कि आप लोग बांटना शुरू करें, तो फर्स्ट महीने में 40% उनको आपूर्ति करा देनी होगी। उसके बाद में जनवरी में 30% और फिर फरवरी में यानी तीसरे महीने में भी उनको आज से 30% वितरण करनी होगी, जिससे 100% पूरा फुल हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्त इस तरीके से जो है वितरण किया जाएगा आप लोगों का। अब दोस्त बात करते हैं कि सबसे पहले जो है किसे मिलेगा टैबलेट या स्मार्टफोन। तो दोस्तों जो मुझे अपडेट मिला है उसके अकॉर्डिंग कि ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो है सबसे पहले प्रोवाइड कराई जाएगी, उसके बाद में डिप्लोमा पॉलीटेक्निक वगैरह के, ठीक है। तो दोस्तों क्योंकि ग्रेजुएशन की लगभग लिस्ट रेडी हो चुकी है और डिप्लोमा पॉलीटेक्निक की अभी सभी वेरिफिकेशन प्रक्रिया वगैरह चल रही है, ठीक है। ये अपडेट हमें जो कि लेटेस्ट मिला है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा लेटेस्ट अपडेट को पहले पाने के लिए। मिलते हैं फिर हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।